आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब सीखने वाले हैं, व्हाट इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? दोस्तों, हम समाज में रहते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट्स के रूल फॉलो करना, रोड पे चलते हुए ट्रैफिक के नियमों का पालन करना। अगर ये सारे नियम कानून अगर ना हो, सोचो, अगर समाज में भी अगर नियम कानून ना हो, देश में नियम कानून ना हो, तो मतलब कैसे समाज आगे बढ़ेगा? कैसे हम एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे, या कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाएंगे? आपको लगता है कि विदाउट रूल्स, नियम कानून के बिना हम सुरक्षित रह पाएंगे? क्या हम अपनी कम्युनिकेशन प्रॉपर कर पाएंगे? क्या हमें कहीं दूसरे स्थान पे जाना है तो क्या प्रॉपर चल पाएंगे? नहीं, नहीं चल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इंडियन गवर्नमेंट, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, मान लीजिए चाइनीज के प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो क्या वो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ना तो वो ये चाइनीज समझते हैं हमारे इंडियन जो गवर्नमेंट है, और जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो ना तो इंडियन की भाषा समझते हैं। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें बीच में एक कन्वर्जन करना पड़ेगा, मतलब किसी न किसी पर्सन को बीच में बिठाना पड़ेगा जो कि दोनों लैंग्वेज को समझ पाए, और उनकी लैंग्वेज को, चाइनीज की लैंग्वेज को इंडियन में कन्वर्ट करे, और इंडियन को चाइनीज में। तो दोस्तों, ऐसे ही हम बहुत सारे रूल फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और चलते रहते हैं, और प्रॉपर प्रॉपर तरीके से हम चल पाते हैं उस रूल्स के कारण। सोचो कि अब ट्रैफिक के नियमों का अगर पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है? आप नहीं चल पाएंगे रोड पे। इसीलिए ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं कि प्रॉपर उसको फॉलो करें और आगे बढ़ते रहें। और जो लोग नियम को फॉलो नहीं करते हैं, क्या होता है? उनका एक्सीडेंट होता है, फायर हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। उसी तरह जब हम नेटवर्क की दुनिया में जाते हैं, ग्लोबली इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं, वहां पे हमें क्या मिलते हैं? कंप्यूटर्स, डिवाइस, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, वैसे कंप्यूटर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। दैट इज कॉल्ड कि हम अपनी दुनिया में कहते हैं बात करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना। ये प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे हो पाता है जब हम यहां से बैठे, इंडिया से बैठे बैठे कहीं भी डेटा भेज देते हैं वर्ल्ड वाइड, वो प्रॉपर कैसे पहुंच पाता है? क्या हमने कभी सोचा है कि बीच में कितनी बड़ी नेटवर्क होता है, कितना बड़ा नेटवर्क होता है, फिर भी हमारा डेटा प्रॉपर पहुंच जाता है? कभी कभी क्या होता है कि हमारा डेटा नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि हम बोलते हैं हमने डेटा सेंड कर दिया, बट वहां पे रिसीव नहीं हुआ। क्यों रिसीव नहीं हुआ? क्योंकि उस डेटा ने रूल को फॉलो नहीं किया, बीच में उसकी चेकिंग हुई, क्या हुआ, उसको फायर कर दिया गया, मतलब क्रैश हो गया वो डेटा, बीच में ही क्रैश कर दिया जाता है अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। जो भी नेटवर्क के रूल्स है अगर उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसे क्या किया, बीच में ही क्रैश कर दिया जाता है, क्योंकि वो इनलीगल माना जाता है, उसने ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं किया। तो वैसे ही हमारे जो नेटवर्क है उसमें प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ये प्रोटोकॉल्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। हर किसी प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके एक पर्टिकुलर पोर्ट डिफाइन किए गए हैं कि पर्टिकुलर वो उसी पोर्ट पे काम करेंगे। कभी कभी हम उसे चेंज कर लेते हैं, बट अगर बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो उनके पीछे एक पोर्ट लगा होता है। जैसे DNS 53 पे काम करेगा, ठीक है, जैसे FTP की बात करें 21 पे काम करेगा, HTTP की बात करें 80 पे काम करेगा। ये डिफॉल्ट पोर्ट है, हम अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं, वो अलग चीज है, बट ये हर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका एक डिफॉल्ट पोर्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम यही सीखेंगे कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये हैं क्या, कितने तरीके के होते हैं, और ये जो डिवाइस है आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कौन से रूल को फॉलो करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है बिटवीन
या डिफरेंट डिवाइसों के बीच में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि व्हाट इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल। और नेटवर्क प्रोटोकॉल इज एन एस्टेब्लिश सेट ऑफ रूल दैट डिटरमाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइस या सेम डिवाइस। मतलब जो प्रोटोकॉल्स हैं एक सेट ऑफ रूल है, एक रूल का सेट बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर डिलीवरी करने जाता है, ठीक है, तो क्या वो पिज्जा बनाता है? नहीं बनाता है। तो उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर लेने वाला होता है आपका रिसेप्शनिस्ट। पहले रिसेप्शनिस्ट ऑर्डर लेता है, वो स्पेशलिस्ट है ऑर्डर लेने के लिए, राइट। ऑर्डर लेने के बाद वो उसको क्या करता है, शेफ को देता है कि ये ऑर्डर है, ये बना के मतलब डिलीवर करना है। शेफ बनाता है आपका ऑर्डर, जो भी आपने ऑर्डर किया है, उसके बाद वो डिलीवरी बॉय को देता है, डिलीवरी बॉय आप तक पहुंचाता है। तो ये क्या है, एक तरह से ये सेट ऑफ रूल है, एक रूल डिफाइन किया गया है कि कौन से काम को कौन सा पर्सन करेगा और कौन किसमें स्पेशलिस्ट है, ठीक। तो वैसे ही हमारा जो नेटवर्क है, जैसे हम यहां से किसी डिवाइस से अगर कोई डेटा भेजते हैं दूसरे डिवाइस तक पहुंचता है, राइट, तो वो बीच में बहुत सारे रूल्स को फॉलो करता है। वो कौन कौन से रूल्स हैं वो देखते हैं। टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, कितने टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं? अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्क में, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। तो उसमें होता है एक ओपन या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जिसकी मैंने बात की, या डिफॉल्ट प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं, या ओपन या स्टैंडर्ड बोल देते हैं। जैसे हो गया एफटीपी, हो गया एसटीपी, हो गया एफटीपी, हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोप्राइटरी मतलब किसी की कंपनी का बनाया हुआ प्रोटोकॉल, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बना के रखते हैं उनको, वो जो प्रोटोकॉल्स है उन्हीं के डिवाइसों में काम करते हैं प्रॉपर रूप से। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। जैसे ओपन या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करें तो टीसीपीआईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, यूजर डेटाग्राम यूडीपी, पोस्ट ऑफिस पीओपी, पीओपी के बहुत सारे वर्जन हैं, दो तीन वर्जन है, सिंपल मेल ट्रांसफर एसएमटीपी, एफटीपी, एसटीपी और एचटीटीपीएस, और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो अगर देखा जाए यूडीपी, पॉप, एसएमटीपी, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इनको किसी भी डिवाइस के साथ आप काम करा सकते हैं, ये हर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे सेम डिवाइस हो या डिफरेंट कंपनी के डिवाइस हो, ये हर किसी के साथ काम करते हैं। दूसरा होता है प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल जैसे कि एप्पल टॉकॉय, सिस्को, डेलिंग, ये क्या है कि ये इन्हीं डिवाइसों के साथ ये काम करते हैं। जैसे सिस्को के देखा जाए कि वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, बीटीपी, सीडीपी, एलएलडीपी, ये क्या है कि पर्टिकुलर कंपनी के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स हैं, ये उन्हीं कंपनी के डिवाइसों पे प्रॉपर वर्क करते हैं। अगर इनको आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डिवाइसों पे अगर वर्क कराते हैं तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स या कंपैटिबिलिटी का इश्यू आता है। दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये प्रोटोकॉल क्यों बनाए गए, ये सेट ऑफ रूल क्यों बनाया गया? हमने देखा कि ये हमारे नेटवर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस नेटवर्क को समझने के लिए मतलब इतना बड़ा हेडेक है कि कैसे समझा जाए कि ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करें। तो इसको प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन के लिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट ओएसआई लेयर को 7 लेवल्स में डिवाइड किया गया और उसको ऑर्गेनाइज किया एक इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन IOS इन 1984 में, कि कैसे दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉपर कैसे बात कर सकते हैं। उनको उन्होंने क्या किया, इसको इस 7 लेयर्स में डिफाइन किया कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में जो डेटा का फ्लो होगा वो इन रूल को फॉलो करते हुए अगर पहुंचता है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगी।
ये 7 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। दोस्तों ये इन लेयर के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये 7 लेयर क्या होते हैं इनको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, ऐसे ही लर्न करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।